हेलो फ्रेंड्स, कूल कंटेंट बॉक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में अभी संचलन में आया हुआ 2018 का एक रुपये रेगुलर नोट और स्टार नोट दोनों दिखाने वाला हूँ दोस्तों। और नोट के बारे में कहना तो ये नोट हमको 97 मिलीमीटर्स विड्थ और 65 मिलीमीटर्स हाइट में रहता है और ये नोट 90 GSM पेपर से जारी करता है दोस्तों, एक वाटरमार्क के साथ। एवर्स मतलब आगे की तरफ हम देखा तो सेंटर में 1 रुपया हिंदी में लिखा है दोस्तों, और राइट टॉप कॉर्नर में देखा तो हम लोग 1 रुपये का एवर्स सिक्का नज़र आता है हमको। और सिक्का के नीचे हम देख सकते हैं सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का दस्तखत, सुभाष गर्ग का दस्तखत से 18 का नोट जारी हुआ है दोस्तों। और सुभाष गर्ग की बात भी नया फाइनेंस सेक्रेटरी आ गया दोस्तों। पर 1 रुपये के नोट्स बहुत धीरे संचालन में आते हैं, इतना फास्टली नहीं आता दोस्तों। और ये नोट 21 ईयर्स चालू नहीं किया दोस्तों, 1994 से लगभग 2015 तक जारी नहीं किया दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 15-16 तक जारी नहीं किया, करीब करीब 21 ईयर्स। और ये नोट आगे हम देखा है और पीछे की तरफ हम देखा तो रिवर्स साइड में हमको लेफ्ट टॉप कॉर्नर में सिक्का नज़र आता है 1 रुपये का, और यह सिक्का हमको मुंबई मिंट मार्क डायमंड से नज़र आता है, और साल भी हम देख सकते हैं वर्टिकली लिखा है दोस्तों। और पीछे हम देखा तो एक ऑयल रिग नज़र आता है दोस्तों, इसको सागर साम्राट कहते हैं, ये ONGC ऑयल रिग है दोस्तों, ये बहुत ही पुराना ऑयल रिग है। और ये बम्बई की ऑफशोर में रहता है दोस्तों। और पीछे हम देख सकते हैं वाटर हॉलमार्क दिया है अशोक लैंड कैपिटल का, और राइट बॉटम कॉर्नर में देखा तो 1 रुपये और 1 रुपी हिंदी और इंग्लिश में लिखा है, और लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में लैंग्वेज पैनल पड़ा है दोस्तों। और राइट बॉटम कॉर्नर में टॉप कॉर्नर में देखा तो 1 रुपये सिंबल के साथ एक नज़र आता है, और स्टार नोट ये रहा दोस्तों। और रेगुलर नोट और स्टार नोट हम देख सकता है एयरलाइन सेट से जारी किया दोस्तों, और स्टार नोट को हम देखा तो 00F प्रीफिक्स रखा है दोस्तों। और ये सुभाष गर्ग का नोट जो है उसमें स्टार नोट 1 रुपये में बहुत कम निकला है दोस्तों, और उसमें से एक में कलेक्ट किया। तो आप सबको रेगुलर और स्टार नोट दोनों दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया दोस्तों। और ये 1 रुपये नोट हमेशा जारी नहीं करता, तो जितना साल में अब तक जारी किया ज़रूर एक कलेक्ट करके रखी है दोस्तों। और स्टार नोट्स मिला तो बहुत बेहतर है, क्योंकि क्या सीरीज़ का स्टार नोट वैल्यूबल होता है हम बता नहीं सकता दोस्तों आगे। तो अभी हमको संचलन में आ रहा तो थोड़ा मुश्किल होने से भी कलेक्ट करना अच्छा होता है दोस्तों, आपका कलेक्शन में रहता है। और किस प्रीफिक्स का वैल्यू ज़्यादा होता है हम बता नहीं सकता दोस्तों अभी, तो ज़रूर कलेक्ट कीजिए। और ये सारी बातें आपको बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और सबको शेयर करके इसे वायरल बना दीजिए दोस्तों, और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।